सुनते ना मुंह बैठा क्यों है, झाड़ू बराबर लगती रहे। जी सर। निकाह का मामला है भाई, खबरदार इन उम्मीद कुर्तियां जोर जोर से ना घिसना, रंग रोगन निकल गया पता चला। सुन रहा है, शीशे के बर्तन तेरे सुपुर्द हैं, टूटे नहीं, तेरी तनख्वाह कटी। जी सर। तो एक काम करते हैं, मेरा जो काट का थैला है मैं उसे बाहर निकाल के आता हूँ। अरे रुक रुक रुक, निकाल दे बेशक, लेकिन तेरे कपड़े गंदे हुए ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देखिए हुजूर, मेरे कपड़े पे पहले से धब्बे पड़े हुए हैं, लीजिए गिन लीजिए, ये एक, इधर दो, ये देखिए तीन, ये साढ़े तीन, ये साढ़े चार, और इधर पांच। इससे ज्यादा ना हो पाएगा। हाँ हुजूर, ये मेरा पजामा। अरे यहाँ से फटा हुआ। अरे तुम मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो ना, तेरा नया पजामा नहीं सिलवाया जाएगा, समझा? अजरा अजरा बेटी, अजरा बेटी, तुम तैयार हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी घर की बहू से मिलवाने वाला हूँ। ये फर्रुख मियाँ किधर रह गए? फर्रुख मियाँ छैला मियाँ, सुन लो, मैं तुम्हारी पूरी बदतमीजियां माफ कर चुका हूँ, लेकिन आज मेहमान के इस्तकबाल में कमी हुई ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब्बा जान, वैसे मुझे ये बात पसंद तो नहीं है कि इस घर में मेरी माँ की जगह कोई और लेने आ रही है, लेकिन आपके मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कमी ना आने दूंगा। एक बात बताऊं बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपको शिकायत का मौका ना दिया जाएगा। बस फिर ठीक है। नासिर मिया, नासिर मिया, अरे नंबू कहाँ मर गया? नंबू, नंबू, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप नंबू बावर्ची से बात करना चाहते हैं या नंबू कोचवान से? ये क्या, दोनों से? अरे नहीं, पहले किससे? बावर्ची से। बावर्ची से? जरा रुकिए, अभी रुकिए, कहाँ जा रहा है ये बदतमीज? ये लीजिए, हाथ में चिमटा ले लिया, अब फरमाइए। मैं जान सकता हूँ कि ये क्या बदतमीजी थी? अरे ये बदतमीजी छोड़िए और काम बताइए। काम ये है कि मेरे घर में दावत है, मेहमानों को क्या खिलाओगे? रुकिए जरा एक मिनट। फिर गया? अरे कहाँ मर गया? हाँ भैया, कम से कम चार प्याले शरबत और पांच प्लेट पुलाव। अरे पूरी शहर की दावत का सामान बता रहा है क्या? आप तो सुनिए, दो अदद मुर्ग मुसल्लम और मटन रोगन जोश। अरे मेरी सारी जमा पूजी मेहमानों के। अरे अभी और भी तो है सरकार, सीख कबाब और सीख के पसंदे। नंबू साले हराम खोर, सब तो बदहजमी कराएगा क्या? है जी, खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? क्या कहते हैं मिर्जा साहब? क्या बात कहिए नासिर मियां, जी तो कहता है कि आपको गले से लगा लो, पर ठीक है ठीक। या दावत का सारा इंतजाम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा, मैं सब देख लूंगा। दावत आपकी मर्जी के मुताबिक होगी और बड़े ही धूमधाम से भी। क्या बात है, अब तुम जाकर गाड़ी साफ करो। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप नंबू बावर्ची से बात करना चाहते हैं या नंबू कोचवान से, क्योंकि गाड़ी तो कोचवान ही लगाएगा ना। बेटा मैं एक गुल्लू के पट्टे बदतमीज इंसान से बात करना चाहता हूँ, भाग जाओ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। अब मैं जब वापस आऊँ ना तो नंबू की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, जान लो। अरे नंबू, तुम्हारे मियाँ हैं। अरे होंगे क्यों नहीं, उनको मौत कहाँ? हाँ तो उससे कहो, जरा हम लोग आए। अरे नंबू, नंबू, तुम्हारे मियाँ हैं। अरे अभी बाहर गए हैं, इधर ही आ जाएंगे खुद ही। तेरे लिए तो ये बड़े मियाँ ही मौजूद हैं, रखेंगे तो चैन से,
वो जैसा नाच नचाएगी नाचेंगे, उठाएगी उठेंगे, बैठाएगी बैठेंगे, आज मरे कल दूसरा दिन, फिर दूसरा ब्याह कर देना। अरे अपने मजे के लिए किसी की मौत का इंतजार या मरने की आरजू करना बड़ी ही अजीब सी बात है। अजीब सी क्या बात, नाजमी सी तो है। निकाह तुम्हारा बड़े मिर्जा से जान समझ कर ही किया जा रहा है, दो दिन में तुम्हारा सुहाग उतर जाएगा। और वैसे भी मिर्जा साहब से तुम्हारा निकाह उनके पैसे के लिए तो किया जा रहा है। लो मिर्जा जी आ गए। चौधरी का जान हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कैसे हैं? कैसे हैं? क्या हो गया बेटा? पर दीना अर्ज किया है कि तुम्हारे हुस्न की बिजलियों से मेरी आंखें चुंधिया ही गईं। तुम्हारे हुस्न की बिजलियों से मेरी आंखें चुंधिया ही गईं, मगर हुस्न है दिखाई दे रहा है। वाह मिर्जा जी, क्या बात है। इसे देखने के लिए, इसे देखने के लिए चश्मे की जरूरत तो नहीं, मगर सितारे चश्मे से ही बेहतर दिखाई देते हैं। और मैं कहता हूँ मरियम कि तुम इस दुनिया का बेहद हसीन और दिलकश सितारा हो। अब मैं तुम्हें अपने साहबजादे फर्रुख और लड़की अजरा से मिलवाता हूँ। फर्रुख, अजरा, हाय अल्लाह, ये तो वही है। माशाल्लाह, इतना बड़ा बेटा बेटी देखकर आप चौंकी जरूर होंगी, लेकिन इनका निकाह होने वाला है। इससे बेहतर इंतखाब नहीं करा सकते थे अब्बा जान आप। जी न्याज हो गया। जय इज्जत, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं आया, और मेरी ये बात काफी लोगों को यहाँ नागवार भी होगी, पर मैं कहने से चुकूंगा नहीं। ये जो हो रहा है मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। अगर आप मेरा सौतेला बेटा बनना मंजूर नहीं फरमाते तो मैं भी बनना नहीं चाहती। सच कहती हूँ, अगर अपने बस में होता तो इस रिश्ते के लिए कभी हामी ना भरती। मरियम जरा माफ करना, ये फर्रुख कभी नादान बच्चा है, ये नहीं जानता कि इसकी बकवास का क्या नतीजा निकलेगा। अब्बा जान, ये तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। अरे देखिए, जैसे अभी आपका मन कह रहा है कि मैं आपकी, ये कह रहा है, अजी सुनिए तो सही जरा, जैसे आपकी अंगूठी, अरे दिखाइए हीरे की अंगूठी, मैं जाके आपकी मरियम को दे दूं। अरे दे भी दीजिए। क्या कर रहा है पत्तम? देखिए क्या निखर के आई है। अरे ले लीजिए अब्बा जान की तरफ से तोहफा, समझिए। जी मैं नहीं ले सकती। पागल पागल पाजी कहीं। अरे ले लीजिए, देखिए कैसे पगला रहे हैं। क्या बकता है। अरे ले लीजिए, कहीं दौरा ना पड़ जाए। अरे लड़की ले क्यों नहीं लेती, जब बड़े मियां खुशी से दे रहे तो नाराज मत कर। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। अब बोलो क्या कहती हो तुम मरियम, क्या चाहिए तुम्हें? क्या बताऊँ, पराए बस में हूँ, अम्मा का ख्याल आता है, बहुत ही दुलार से पाला है उन्होंने, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। आप ही उनसे बात कर लीजिए, अपनी मैं कह दूंगी। मैं कहती हूँ तुम दोनों ने मुझसे बात पहले क्यों नहीं कही, मैं सब ठीक ठाक कर देती और बात यहाँ तक पहुँचती ही क्यों? फरजीना, तुम कुछ चक्कर नहीं चला सकती? मियाँ, वही तो मुश्किल है। मरियम की माँ तो खैर समझदार है, वो तो मान भी जाएंगी, लेकिन तुम्हारे बाप तो तुम्हारे बाप है। वो तुम्हारा निकाह मरियम से हरगिज़ ना होने देंगे। बात तो आपने ये ठीक कही है। क्यों ना कुछ ऐसी तरकीब की जाए कि तुम्हारे बाबा खुद ही निकाह से इनकार कर दे, तभी बात बन सकती है। ये तो आपने बहुत खूब बात कही, कुछ चक्कर चलाइए। ठहरो, एक तरकीब समझ में आती है। क्यों ना कोई ऐसी बुढ़िया ढूंढी जाए जो मेरे जैसी अय्यार, चालाक और चरित्रवान हो, जिसका लंबा चौड़ा नाम हो। ऐसी बुढ़िया ढूंढ कर तुम्हारे बाबा
चुका देते हैं और उन्हें यकीन दिला देते हैं कि बेगम साहिबा करोड़पति है और अगर उनसे निकाह कर लिया तो सारी दौलत उनके नाम लिखने को तैयार है। अरे बहुत ही गजब गजब कमाल का आइडिया है। वैसे याद आया, एक बेगम है वो ये काम कर देंगे। अरे फरसीना, अगर ऐसा हो गया तो हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। बस अम्मा को भी तुम ही राजी कर दो। वो सब मुझ पे छोड़ दो।